कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रातः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, इतनी कथा सुनकर महाराज प्रथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, यम पंचक काल कौन सा है तथा उसमें दीपदान का क्या महत्व है? नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, तेरस से शुक्ल पक्ष की द्वितीया, दूज तक का समय यम पंचक काल कहलाता है। कृष्ण पक्ष की तेरस को धन तेरस कहा जाता है। इसकी रात्रि में यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं। दीपदान करने से अकाल मृत्यु आदि का भय नहीं रहता। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दूर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अप एव दाहिनी होकर जल में तिल मिलाकर और तीन तीन अंजलि से यमाय, धर्मराजाय, मृत्युव, अंतकाय, कालाय, सर्वभूतक्षाय, औदुम्बराय, ददनाय, परमेष्ठिने, बकोन्द्राय, चित्राय, चित्रगुप्ताय कहकर तर्पण करें। तत्पश्चात सायंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा भगवान के मंदिरों में और वृक्ष, सभा, गौशाला, नदी, बगीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी, खेत, गली, चौराहा, शमशान आदि पर दीपक जलावे और श्री महालक्ष्मी का ध्यान करें। श्री नारद जी बोले, हे राजन, यदि शस्त्र से किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद किसी अन्य कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वी को भोजन कराना चाहिए। इससे शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक की अमावस्या को दीपावली के दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों का पूजन व श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। फिर संध्या काल में तुलसी के समीप मंदिर, नदी, पर्वत, शमशान, गौशाला तथा चौराहे पर दीपक जलाना चाहिए। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति कर उन्हें जगावे। हे राजन, जिस प्रकार पतिव्रता नारी अपने पति के जागने से पूर्व ही जाग जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी श्री भगवान से 12 दिन पहले जाग जाती है। अमावस्या के दिन बच्चों, वृद्धों और रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन ना करें और सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। घर को तोरण, वंदरवार आदि से सजाकर दीपक जलाने चाहिए। घर के सभी स्त्री पुरुष नए वस्त्र धारण करें और अमावस्या को पूरी रात लक्ष्मी जी के समक्ष गीत गाएं, स्तुति करें एवं नृत्य आदि कर पूरी रात हर्षोल्लास से बितावें। घर में एक दीपक रात्रि भर जलता रहना चाहिए। हे राजन, उस रात लक्ष्मी जी सब घरों में जाती है और जो घर अधिक सुंदर, स्वच्छ एवं पवित्र होता है वहाँ दीर्घ काल तक निवास करती है। एक प्रहर रात्रि का जब शेष रह जाए तो दरिद्र रूप घर के कूड़े करकट को रूप सूप, छाँच अथवा पुराने पंख पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से सदा परिपूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोबर का गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित उसकी पूजा करनी चाहिए। हे राजन, इंद्र का मान मर्दन करने के लिए भगवान कृष्ण ने इसी दिन गोवर्धन पर्वत का पूजन किया था। गोवर्धन वाले दिन सायंकाल में गौ एवं वृषभ, गाय और बैल की पूजा करके अपने परिवार के लिए भरण पोषण और रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। इसी दिन सायंकाल में राजा बलि एवं उनकी पत्नी विंध्यावली का पूजन एवं दान आदि करने वाला परिवार सदा सुखी एवं समृद्ध रहता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।